हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता सिंह आपका प्लांट एंड सीड गार्डनिंग चैनल में स्वागत करती हूँ। ये है मेरे छोटी सी बगिया की, इसमें मैंने पालक उगाया था ना, उसमें गेंदे आ रहे हैं। देखिए कुछ पालक अपने आप ही उगाया है। मिर्च है, सब फूल लगे हुए हैं, कुछ आएगा तो दिखाऊंगी। तो आज की शुरुआत, नया दिन नई चाय, ये है, आप पहचान रहे होंगे, पुदीना। तो तोड़ते हैं इसके पत्ते, अभी लगाया है मैंने कुछ दिन हुए। इसके टिप तोड़ते हैं तो इसकी और ब्रांचेज आएंगी, ये तो अच्छा ही होगा, है ना। चलिए हो गया है, इतना काफी है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का दिन। मैंने पी लिया अपना एक गिलास गर्म पानी। अब शुरू करते हैं चाय बनाना। चाय के लिए पानी रख दिया है, इसको बॉईल होने देते हैं और कर लेते हैं इसको कवर हैवी लिड से। तो फ्रेंड, अभी ये पानी बॉईल होता है तब तक कुछ बातें कर लें हम। ये है पुदीने के पत्ते, मैंने अपने ही छोटे से पॉट में लगाया, उसमें से तोड़े हैं। तो इसकी बनाते हैं चाय और इसके बारे में कुछ कर लेते हैं बात। तो घर में बैठे हैं हम लोग लॉकडाउन में और खा रहे हैं, तो इंडाइजेशन भी हो रहा होगा लोगों को और कल हमारे यहाँ बारिश भी होगी, तो पकौड़े वकौड़े खा लिए हैं। और मौसम भी ठंडा है आज, तो हम डाल रहे हैं इसमें अदरक। अगर गर्मी है, जैसे अब आगे गर्मी आ रही है, तो आप उसमें अदरक कम कर सकते हैं थोड़ा। मिंट की तासीर जो है ठंडी होती है। ये बहुत अच्छा पुदीना है, जिसको हम पुदीना कहते हैं। एक तो ये बहुत ही एरोमेटिक होता है, खुशबूदार। इसके बड़े जो है ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनते हैं, माउथ वॉशेस बनते हैं, टूथपेस्ट वगैरह बनते हैं। तो बड़ा इसकी छोटी सी जो है एक मेडिसिन आती है पुदीनरा के नाम से, बड़ी अच्छी होती है, वो भी डाइजेशन के लिए। तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है पुदीने को। खुशबूदार तो होता ही है, साथ में ये हमारे पेट के लिए बहुत होता अच्छा होता है। डाइजेस्टिव जो ट्रैक है हमारा, सिस्टम है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है पुदीना। और इसमें खुशबू है ना, उसके साथ साथ इसमें कितने विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। देखिए मैं कुछ बताती हूँ जो मैं जानती हूँ। तो इसमें होता है विटामिन सी, ए, बी सिक्स, विटामिन ई, के, देख कितने सारे हैं, बीटा कैरोटीन होता है। मिनरल्स में कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, बताइए कितने सारे इसमें मिनरल्स एंड विटामिन्स पाए जाते हैं। और जो इसका पाउडर भी बनाते हैं, इसको छाया में सुखा के शेडेड एरिया में सुखा दीजिए, उसका पाउडर बना दीजिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं। चटनी बनाते हैं हम लोग, कितना गर्मियों में तो खूब खाई जाती है धनिया पुदीना की चटनी। तो इसको पाउडर बना के भी आप यूज कर सकते हैं, इसको जूस में यूज कर सकते हैं। तो मैं तो इसकी सुबह सुबह चाय की आदत होती है ना, तो एक चाय ले लेते हैं इसकी। तो ये एक बहुत पावरफुल जो एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं इसमें, तो एक एंटीऑक्सीडेंट है ये, और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एंटी वायरल, एंटी फंगल। तो फ्लू एंड कोल्ड में भी काम आता है, जैसे मुंह खराब है, फीवर है, तो इसकी पत्तियां मुंह में डाल दीजिए अच्छे से गर्म पानी में धो के, तो भी ताजगी देता है मुंह को। तो ये देखिए बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन एंड मिनरल्स के साथ साथ, ये इतने सारे इसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और हमारे जो कोलोन है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन को, उसको क्लींजिंग का काम करता है, डाइजेशन में बहुत अच्छा होता है, हेडेक भी दूर करता है, ताजगी देता है। तो पानी थोड़ा, ये बॉइल हो गया, इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा, देखिए बहुत कम डाल रही हूँ मैं, क्योंकि गर्मी आ रही है ना। और डाल देते हैं पुदीना, ये हमारा मिंट, इसकी आप अच्छी मात्रा ले सकते हैं। अगर आपको कंसंट्रेटेड जो है पेय पदार्थ अच्छे लगते हैं, ड्रिंक्स, तो आप ज़्यादा लीजिए, क्योंकि मैं इसको बहुत बॉयल नहीं करती हूँ ना, जैसे मैं डालती जा रही हूँ तो इस समय बॉयल हो रहा है, क्योंकि अदरक डाला है। तो थोड़ा सा हम अदरक को भी बॉयल करेंगे, क्यों, अदरक में भी आप देख सकते हैं, अदरक में भी बहुत गुण होते हैं। ये जो होता है ऑर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप कर देते हैं इसको बंद 7-8 मिनट के लिए। तो अदरक की अपनी प्रॉपर्टी होती है, मसल्स पेन में को बड़ा रिलैक्स करता है, ऑर्थराइटिस में, इंडाइजेशन में भी ये हेल्प करता है अदरक, जिंजर।
और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट इनके लिए, और साथ में स्ट्रेस को बस्ट करता है। तो ये दोनों ही चीज़ें, अदरक और मिंट का कॉम्बिनेशन, ये दोनों ही नौसिया, जो वॉमिटिंग सेंसेशन होता है उसके लिए भी बड़ा ये उसको रिलीव करता है, तो बहुत अच्छा माना जाता है इन सब चीज़ों के लिए, दोनों ही चीज़ें। तो इसका हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। तो मिलती हूँ फ्रेंड 7-8 मिनट के बाद, तब तक के लिए इसको होने देते हैं थोड़ा, इसका साथ इस पानी में आ जाएगा दोनों चीज़ों का, तो ये अच्छा पे अच्छा बन जाएगा ड्रिंक हमारा। तो फ्रेंड्स हो गए हैं पूरे 7-8 मिनट, अब लेते हैं हम चाय का आनंद। तो देखिए हमारे डाइजेशन के लिए बेस्ट मिंट टी। तैयार है मिंट एंड जिंजर टी। तो फ्रेंड इसमें आप अगर चाहें तो आप हनी भी मिक्स कर सकते हैं, आपको थोड़ा अच्छा लगता है हनी भी। ये सारे ही हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं, और लेमन आप यूज कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा लूँगी लेमन आज, 4 बूंद 5 बूंद लेमन ले लीजिए, आनंद लीजिए अच्छी अच्छी हमारी हेल्दी ग्रीन टी का। तो फ्रेंड कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आ जाए, और नए नए दिन की नई नई चाय आपको मिलती रहे। ये मेरी 14th टाइप की चाय है, तो आप देखिए रिपीट मत कीजिए कभी भी चाय को, हमेशा चेंज करते लेना चाहिए। मैं जैसे बताती रहती हूँ अपने वीडियोस में, कोई भी खाने की चीज़ हमेशा एक, चाहे वो ऑयल आप ले रहे हैं, चाहे आप खाने की कोई भी दाल सब्जी, सब चेंज कीजिए आप, जिससे कि हमको एक में कोई विटामिन मिनरल नहीं मिलेगा तो दूसरे में मिलेगा। तो इस तरह से बॉडी को आप सब चीज़ की हैबिट भी डालनी चाहिए, और ये सब चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं अगर हम चेंज करके लेते रहते हैं तो। फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बनाइए ज़रूर।